पंचायत कह रही है कि गरीब परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित तो बेटा 6 दिन से लापता, माँ का हुआ रो रो कर हाल खराब। सरकार से लगाई मदद की गुहार, कहा हमारे पास तो शिमला जाने के लिए भी नहीं है पैसे, कहा बेटा शिमला के रेस्टोरेंट में करता था काम, बीमार पिता से मिलने के लिए जा रहा था, PGI रस्ते से हुआ लापता। नमस्कार, आप देख रहे हैं RK हिमाचल न्यूज, मैं रमन राणा हाजिर हूँ दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। विधानसभा नूरपुर पंचायत खैरिया के वार्ड नंबर 4 के एक परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आपको बता दें कि खैरिया पंचायत के संजूर गांव के रहने वाले चुन्नी लाल पिछले काफ़ी लंबे समय से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तथा उनका इलाज चंडीगढ़ PGI में चल रहा था, मगर इसी बीच लगभग 6 दिन पूर्व चुन्नी लाल का बेटा श्याम सिंह, जो कि शिमला के फागू में एक निजी रेस्टोरेंट में काम करता था। श्याम सिंह की माता तुलसो देवी ने बताया कि बीते मंगलवार सुबह 8 बजे के आसपास श्याम सिंह ने फोन कर बताया कि वह चंडीगढ़ अपने पिता से मिलने आ रहा है, लेकिन जब वह PGI नहीं पहुंचा तो उन्होंने अपने स्तर पर छानबीन की, मगर उनके बेटे की उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली। मां ने रोते हुए कहा कि उनका पति लंबी बीमारी से पीड़ित है तथा अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, ऐसे में उनके पास शिमला जाकर रिपोर्ट लिखाने के लिए भी किराया नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फोन कर सहायता मांगी है। इसमें स्थानीय वार्ड सदस्य सपना देवी ने कहा कि इस परिवार पर एक साथ कई दुख टूट पड़े हैं, ऐसे में प्रशासन व सरकार से सहयोग की अपील करती हूं। उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि जल्द ही सबके सहयोग से गरीब परिवार का बेटा घर लौट आएगा। हाँ जी, क्या नाम जी? हाँ जी बोलो जी, क्या गलबात हुई? हाँ जी, अपने घर वाले को लेके जी जी ऑपरेशन हो रहा था। हाँ जी, लड़के को बुलाया था मैंने, अपने छोटे लड़के को शाम को जी। मतलब मैं था, वो शिमला से आया 8:30 बजे। कितनी तारीख की गल है जी? 9 तारीख। अच्छा, 9 तारीख की। हाँ जी, 8:30 बजे मेरे को फोन किया उसने जी कि मैं आ रहा हूँ, मैं 3-4 बजे पहुँच जाऊँगा उधर, मेरे को लेके जाओगे बाहर आ जाएगा आप? मैं बोला मैं आ जाऊँगी, ले जाऊँगी आपको। मैंने बोला, उसने बोला कि मेरे को ढूंढ लेंगे आप, मैं ले आऊँगी तो आ जा, मैं आपको लेके जाऊँगी वापस। बस इतनी बात हुई, फिर मैंने पूछा कब पहुँचना तुमने उधर, उसने बोला कि मैं 3-4 बजे पहुँचूँगा उधर जी। मैंने फिर 3-4 बजे फ़ोन किया उसको, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। अच्छा, मैं सारी रात उसको फ़ोन करती रही, उसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा, बाद में स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, स्विच ऑफ हो गया, फिर सुबह फिर पता नहीं इतनी याद नहीं है मेरे को कितने बजे मैंने उसको फ़ोन किया था, फ़ोन उसका किसी और ने उठाया था। मैंने उसको बोला आप तो मेरे ये नंबर तो मेरे लड़के का है, आपको कहाँ मिला है फ़ोन? तो उसने बताया कि मेरे को फ़ोन शिमला बस स्टैंड में मिला है। अच्छा, लास्ट बात कब हुई थी आपकी? किसके साथ? लड़के बेटे के साथ? बेटे के साथ मेरी बात 9:08 बजे। अच्छा, लास्ट बात वही हुई थी, उसके बाद कोई पता नहीं है? कोई बात नहीं है। पुलिस कंप्लेंट हो गई है? हाँ जी हो गई। अच्छा, चलो ठीक है। कोई एक ऐसी अपील जो आप करना चाहें लोगों से? मेरा लड़का बस मेरे को मिलने चाहिए जल्द से जल्द, जितनी जल्दी होगी उतनी। मैं बहुत परेशान हूँ, आज एक हफ्ता हो गया, मेरे पति भी परेशान है, मेरे उसकी दादी है वो भी परेशान है, सभी परेशान, गांव वाले सब परेशान, मेरे रिश्तेदार सभी परेशान। जल्द से जल्द मेरे बच्चे का पता लगना चाहिए। अभी हस्बैंड कैसे हैं आपके, उनकी तबीयत? वो उनकी तबीयत तो बहुत बुरी हालत है उनकी, वो PGI में गए थे हम, उन्होंने मना कर दिया ऑपरेशन के लिए। मैं क्या कर सकती हूँ, गरीब हूँ, कहाँ से पास पैसा ला सकती हूँ? मेरे पास कोई पैसा नहीं, नहीं मैं शिमला जा सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ कुछ। ठीक है सर,
मैं मीना चौहान बोल रही हूँ, संजोर से बोल रही हूँ। मैं जहाँ जो लड़का खो गया उनके घर में आई हूँ, तो उनके हालात बहुत ख़राब हैं। उनके जो हस्बैंड हैं जिनका बेटा खो गया, उनके पिता जो हैं वो बहुत बीमार हैं। वो PGI चंडीगढ़ में थे, तो उन्होंने अपने लड़के को बुलाया था तो वो लड़का नहीं पहुँचा। तो मेरी यही अपील है सभी गाँव वासियों से भी और उनसे भी, सारी लोगों से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी इकट्ठे होके उस लड़के के लिए दुआ करें। और प्रशासन से मेरी ये अपील है कि जल्द से जल्द लड़के को ढूंढा जाए। धन्यवाद। अपना देवी संजूर से बाड़मिंद्र बोल रही हूँ। मैं इनके घर आई, जिनका लड़का खो गया है उनके घर आई हुई हूँ, और उनके घर की तो सच में बहुत बुरी हालत है। और जो उस लड़के के पिता हैं वो भी बहुत बीमार हैं, उनके मुंह में पता नहीं क्या है, तो उनका चंडीगढ़ में चला हुआ है। और मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ ना कि जल्द से जल्द इनका लड़का मिले और इनका थोड़ा मदद करें। धन्यवाद सर। थैंक यू।